बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो आपका टॉपिक है वो मैं आज ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बच्चों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो आपको असर्टिव सेंटेंसेस जो है उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको बताया जा चुका है। और बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, ऐसा नहीं कि हमेशा वाक्य के शुरू में आती है, कभी लास्ट में भी आती है, कभी बीच में भी आती है। जरा देखना आप, एक सेंटेंस से बड़ी बात क्लियर करता हूं। यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस राज यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस राज ही सेड, उसने कहा। अब बच्चों आप क्या देख रहे हो कि इस सेंटेंस में दो बातें हैं, एक तो ही सेड बच्चों इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है जिसका प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है। एक तो बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, ही शेड है, और इसका प्रयोग कहां पर हुआ है, इसका प्रयोग बच्चों वाक्य के अंत में हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ये भी है कि इसमें एक राज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों ये जो राज है या आप किसी व्यक्ति का नाम लेके आप उसको कह रहे हैं तो इसे बच्चों आप कहते हो अंग्रेजी में वोकेटिव केस। क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। हिंदी में कहेंगे इसको संबोधन कारक। तो कभी कभी बच्चों ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग तो वाक्य के शुरू में नहीं बल्कि अंत में होता है। और दूसरी बात बच्चों ये भी है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग या नहीं होकर के, कायदेश तो यह होना चाहिए था ही शेड टू राज, लेकिन ही शेड टू राज न कह करके बच्चों आपने राज का प्रयोग कहां किया, वो केटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में किया। बात समझ में आ रही है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में नहीं करके सेंटेंस के लास्ट में कर दिया जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के साथ न करके रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कर दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे आप? तो बड़ा आसान है बच्चों, जरा देखो। सबसे पहले जो ही शेड है ना, इस ही शेड का बच्चों सही रूप देखो क्या होगा, ही शेड, और किसको कह रहा है, वो राज को कह रहा है, तो ही शेड टू राज। ये बच्चों इसका सुधरा हुआ रूप है। अगर आप इस वाक्य को यूं लिखते हैं तो बताओ ही शेड टू को किसी में बदलोगे, टोड़े में बदलोगे ना, तो आप यो कर सकते हो, इसका आंसर देखो यो चालू हो जाएगा, ही टोल्ड राज। अब आरवी तथा आरएस के बीच में क्या लगा दो, दैट लगा दो। ही टोल्ड राज दैट, उसने राज को बताया कि, ही टोल्ड राज दैट, उसने राज को बताया कि। अब बच्चों आप इस बात को समझते हो कि यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, ये बच्चों राज के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहां पर लगा दो ही टोल्ड राज दैट ही। अब बच्चों समस्या ये है कि ये जो ही है ना, ये राज के लिए भी आ सकता है, ये ही के लिए भी आ सकता है, तो क्लियर नहीं है। इसलिए बच्चों ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, राज को मेंशन करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? तो ही टोल्ड राज दैट ही कैन को बच्चों कुड में बदलो, दैट ही कुड। फोन बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मॉडल जो होता है बच्चों उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही टोल्ड राज दैट ही कुड फोन फ्रॉम, ये हो गया ऐसा फ्रॉम। अब ये जो माई है ना, ये बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये किसके अनुसार बदलेगा, ये बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही है, लेकिन आप जानते हो कि ये तो पजेजिव है, तो इसका पजेजिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज। और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा देखो बच्चों हिज ऑफिस, और आपका आंसर बन के तैयार हो गया है। आगे समझ में, ही टोल्ड राज दैट ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस। बच्चों सेंटेंस उतारो, ही टोल्ड राज दैट ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने राज को बताया कि वह क्या कर सकता था, वो उसके दफ्तर से फोन कर सकता था।
समझ में आ गई क्या स्थिति रहती है ये बात बच्चों आपके अच्छी तरह समझ में आ गई, इसको फटाफट उतारे आप ताकि मैं उतार करके आपको दूसरा सेंटेंस समझाऊं। तो बच्चों एक सिचुएशन तो क्लियर हो गई है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बच्चों जरूरी नहीं है कि वाक्य के शुरू में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, वाक्य के अंत में भी हो सकता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसका प्रयोग ये जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हो, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कर दिया जाता है। अगर आपको ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है वोकेटिव केस में उसको बच्चों बाहर निकालना पड़ता है, और उसके बाद में क्या है टू अंडरस्टूड होता है। जब शेड का शेड टू हो जाता है तो बच्चों फिर आप उसको इनडायरेक्ट बनाते समय शेड टू को क्या करेंगे उसको टोल्ड में बदल देंगे। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों एक स्थिति तो यह है, दूसरी स्थिति और क्या जरा ये भी समझो। दूसरी स्थिति यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग न तो वाक्य के शुरू में होता और न बच्चों वाक्य के शुरू में होता, न वाक्य के अंत में होता बल्कि वाक्य के बीच में होता। जैसे जरा ध्यान देना, आई केम फ्रॉम अंबाला यस्टरडे, आई केम फ्रॉम अंबाला यस्टरडे सेड नरेश, नरेश ने कहा, एंड शैल बी गोइंग बैक टुमोरो, एंड शैल बी गोइंग बैक टुमोरो। तो बच्चों ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें बच्चों जो शेड नरेश यानी जो ये वाला पार्ट है बच्चों जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसका प्रयोग न तो वाक्य के शुरू में हुआ है, न इसका प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है, बल्कि इसका प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है। तो करना क्या पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा नरेश। अब बच्चों शेड का शेड ही रहने दो क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है नरेश, शेड फिर लगाओ दैट। ओके, नरेश शेड दैट। अब बच्चों आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, नरेश के अनुसार। तो आप जानते हो ये आई सब्जेक्ट है तो नरेश का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जरा बताना, नरेश का सब्जेक्ट ये हो जाएगा नरेश शेड दैट ही। अब बच्चों केम, केम क्या है, केम बच्चों आप जानते हो जरा ध्यान दो, आई केम, ये जो केम है बच्चों ये पास्ट सिंपल टेंस है, आप जानते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, दैट ही हेड कम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान दो, नरेश शेड दैट ही हेड कम फ्रॉम अंबाला, यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। नरेश शेड दैट ही हेड कम फ्रॉम अंबाला यस्टरडे को बदलो द प्रीवियस डे, नरेश ने कहा कि जो प्रीवियस डे यानी जो पिछला दिन है उस दिन वो कहां से आया था, अंबाला से आया था। एंड अब बच्चों आप जानते हो शैल बी, अब ये जो शैल है बच्चों ये नरेश के कारण विल में बदल जाएगा, लेकिन आप जानते हो कि दैट के पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रही है इसलिए विल नहीं आ सकता, विल का वुड हो जाएगा, एंड वुड बी गोइंग बैक, एंड वुड बी गोइंग बैक, और टुमारो किसे बदलो ये, एंड वुड बी गोइंग बैक द नेक्स्ट डे। आंसर बच्चों बनके तैयार हो गया है, नरेश शेड दैट ही हैड कम फ्रॉम अंबाला द प्रीवियस डे एंड वुड बी गोइंग बैक द नेक्स्ट डे। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि नरेश ने कहा कि वह पिछले दिन कहाँ से आया था, वो बच्चों बीते हुए दिन या गत दिन जो है वो आया था अंबाला से, एंड वुड बी गोइंग बैक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो है वो वापस जा रहा होगा। तो बच्चों सारांश क्या निकला, इन तीनों वाक्यों को पढ़ के बच्चों आपने ये निष्कर्ष निकाला कि आर वी और ये आर एस, यानी आर वी का प्रयोग बच्चों वाक्य के शुरू में होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आर एस तो आ जाएगा शुरू में, ये देखो आर एस रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब चली जाती है बाद में। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि इधर भी आर एस आता है, इधर भी आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच, और बीच में आर वी आती है। बात समझ में आ गई है,
रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी किया जा सकता है, वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है और वाक्य के बीच में भी किया जा सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग साधारणतः रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद होता है, परंतु कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में भी कर दिया जाता है, माने संबोधन कारक में भी कर दिया जाता है। और ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना पड़ता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ना पड़ता है। और बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू अंडरस्टूड होता है, जब टू आप लगा देते हो तो शेड टू को टोल्ड में बदल देना चाहिए, तो शेड टू को टोल्ड में बदल देना चाहिए। तो बच्चों आशा है कि आपने ये सेंटेंस उतार लिया होगा, आई केम फ्रॉम अम्बाला यस्टरडे, मैं कल आया अम्बाला से, शेड नरेश, नरेश ने कहा, एंड शेड बी गोइंग बैक टुमारो, और कल वापस जा रहा हूँ, तो बन जाएगा कि नरेश शेड दैट ही हैड कम फ्रॉम अम्बाला द प्रीवियस डे एंड वुड बी गोइंग बैक द नेक्स्ट डे, और क्या कर रहा होगा, वह वापस जो है अगले दिन जा रहा होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि जो सेंटेंस होते हैं कौन से वाले, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की तरकीब बच्चों मैंने आपको बताई। अब जरा देखना, अब बच्चों आगे वाली चीज समझाने वाला उस पर भी जरा गौर फरमाएंगे आप। बच्चों आप तो जानते हो कि सेंटेंस एक तो होते हैं असर्टिव, और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया बच्चों आपको मैंने बता दी है। असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया आपको बताई जा चुकी है। अब बच्चों असर्टिव सेंटेंस के बाद में जो पार्ट चलेगा उसे कहते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं उनको, ये जरा देखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आप तो जानते हो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो एच बी से शुरू होते हैं और एक वो जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। दोनों में बच्चों क्या है, आपको वैसे तो मैंने जो रूलिंग समझाई थी, नियम बताए थे, उनमें सारी बातें बता दी थी, फिर भी एक सेंटेंस आपको करके दिखाता हूँ, बात आपके समझ में आ जाएगी। जैसे बच्चों मैंने आपको ये कहा एच बी से शुरू करने के लिए कोई भी सेंटेंस बच्चों आपको मैंने दे दिया, तो बहुत आसानी से आप कर सकेंगे उसे। ओके, तो बच्चों जरा देखना, द फादर सेड टू द डॉटर, फादर ने डॉटर से कहा, क्या कहा, डिड यू, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। फादर ने डॉटर से कहा डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गई थी। तो बच्चों इनडायरेक्ट ये बनेगा कि पिताजी ने बेटी से पूछा कि क्या वह कल कॉलेज जा, क्या वह कल कॉलेज गई थी। तो बच्चों एक्चुअली क्या होगा कि आप जानते हो कि जो सेंटेंस एच बी से शुरू होते हैं उनमें आर वी तथा आर एस को किससे जोड़ा जाता है, इफ या वेदर से जोड़ा जाता है, ठीक है। और बच्चों सारे नियम यथावत रहेंगे, और प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल दिया जाएगा, माने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एच वी जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले किया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय, उस एच वी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा। जैसे मान लो इज हमारा आगे आ रहा तो उठा के बाद में रख दो, वाज वर आगे आ रहा तो उठा के बाद में रख दो, हे जे आगे आ रहा तो उठा के बाद में रख दो, परंतु बच्चों अगर डू आगे आ रहा है तो उठा के बाद में रखोगे तो गायब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों में जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें डू नहीं आता, वो क्रिया में मर्ज हो जाता है, वो वर्ब में मर्ज हो जाता है। लेकिन यदि डज का प्रयोग हो रहा है तो क्रिया में एस या यस दिखाई देता है,
यानी डस्टोट जाएगा लेकिन गो का गोज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, प्ले का प्लीज हो जाएगा। और अगर बच्चों वाक्यों में डिड का प्रयोग हो रहा है तो डिड तो गायब हो जाएगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वो सेकंड फॉर्म में बदल देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देगा। इस बात को बच्चों कुछ यो समझ सकते हो, जरा ध्यान दो, डू अगर है बच्चों तो ये सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाके मिल जाएगा, और डू गायब हो जाएगा। डज है तो बच्चों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, ऐसी आई एस यानी पांचवी फॉर्म में बदल जाएगा, डज गायब हो जाएगा। और बच्चों अगर डिड है तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देगा। ये अंतर है बच्चों जो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा बच्चों में इसका इंटरोगेट इसको चेंज करके दिखाता हूं, तो सबसे पहले क्या करोगे, द फादर, ये कर दिया द फादर। अब बच्चों टोल्ड नहीं करोगे क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जिस किसी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है वो वाक्य बच्चों प्रश्नवाचक कहलाता है। और उस वाक्य में क्या करना चाहिए, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आस्कड़ में बदलना चाहिए, 99%, ठीक है बच्चों, 99% आपको आस्कड़ में बदलना चाहिए। कभी कभी बच्चों इंक्वायर्ड में भी बदला जा सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ, क्लियर। तो आप तो आस्कड़ याद रखो, द फादर आस्कड, द डॉटर। बच्चों यहां पर फादर और डॉटर के पहले द लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी बच्चों हम अपने पिता के पहले द का प्रयोग नहीं करते लेकिन दूसरे के पिता के पहले द का प्रयोग करते हैं। अपना पिता तो माई फादर होगा, माई डॉटर होगी, लेकिन जब अपन किसी अन्य आदमी का पिता है तो उसको हम द फादर कहते हैं, अन्य आदमी की माँ है तो उसको हम द मदर कहते हैं, अन्य आदमी की बेटी है तो हम उसे द डॉटर कहते हैं, क्लियर हो गया है। तो द फादर आस्क्ड द डॉटर, यानी पिता ने लड़की से, पिता ने बेटी से पूछा। अब आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ोगे, द फादर से टू द डॉटर। अब यहाँ बच्चों दैट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इफ, क्लियर हो गया है। यहां दैट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इफ आएगा, द फादर आस्क्ड द डॉटर इफ। अब बच्चों आप जानते हो डिड को तो छोड़ दो क्योंकि डिड तो उधर जाएगा, और ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, डॉटर के अनुसार बदलेगा। तो बच्चों ये सब्जेक्ट है तो डॉटर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इफ शी, ओके। अब ये डिड कहां जाएगा, बच्चों डिड इधर जाकर के इसको सेकंड फॉर्म में बदलेगा। अब बच्चों जब सेकंड फॉर्म बन गई यानी पास्ट सिंपल हो गया, तो पास्ट सिंपल को किस में बदलना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे इफ शी हेड, और गो की थर्ड फॉर्म लगाओ इफ शी हेड गॉन टू कॉलेज, इफ शी हेड गॉन टू कॉलेज। यस्टरडे को बदलो द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को बदलिए द प्रीवियस डे, यस्टरडे को बदलिए द प्रीवियस डे। आ गया समझ में, द फादर आस्क्ड द डॉटर इफ शी हेड गॉन टू द, इफ शी हेड गॉन टू कॉलेज द प्रीवियस डे, यानी पिताजी ने बेटी से पूछा कि क्या वह पिछले दिन कॉलेज गई थी, पिताजी ने बेटी से पूछा कि क्या वह पिछले दिन कॉलेज गई थी। अब बच्चों इस बात को और ढंग से समझना चाहते हो तो इसमें परीक्षा में देखो एक गलती है जो हम कर देते हैं, एक एरर है बच्चों जो हम कर देते हैं और उस एरर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो बच्चों सवाल इस तरीके से आता है, जब मैं आपको कहता हूँ कि तो इसमें तो बच्चों देखो क्या होगा, इफ के साथ आपको दैट दिया जा सकता है, वो दैट है उसका प्रयोग आपको कभी नहीं करना चाहिए, डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो, शी शेड टू मी, उसने मुझे कहा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। शी शेड टू मी, व्हाट इज योर नेम, उसने मुझे कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों में क्या करूंगा, शी शेड टू को बदलूंगा आस्कड में क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। शी आस्कड मी, अब आ रहा दैट, तो बच्चों ये दैट गलत है, दैट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद कंजंक्शन का काम करेगा, व्हाट, ये कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब हो गया की और क्या, दोनों का मतलब यही देगा, की भी यही देगा और क्या भी यही देगा। तो शी आस्कड मी व्हाट, अब बच्चों इसको छोड़ो, सहायक क्रिया तो उधर आएगी, और ये योर नेम जो है बच्चों, इस योर नेम को क्या करो, ये योर है ना, इस योर को किसके अनुसार बदलो, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन, तो इसका पचीज हो जाएगा व्हाट, और यहाँ लगाओ बच्चों व्हाट माई, व्हाट माई नेम। अब इज को इधर लाओ, और जब इज इधर जाएगा तो इज मार्क को वाज वर्ब में बदल देते हैं, तो व्हाट माई नेम वॉज, क्वेश्चन मार्क की जगह बच्चों फुल स्टॉप का प्रयोग करना। ध्यान दो बच्चों, जब भी आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य
माने इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो। जब भी आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य माने, जब भी आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य माने इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो बच्चों आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि क्वेश्चन के अंत में जो क्वेश्चन मार्क आता है उसको हटा देते हो और उसके एवज में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हो। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, ध्यान दो बच्चों। आज ये सेंटेंस दिया आपको मोहन आस्क्ड मी, मोहन ने मुझसे पूछा विच मूवी, कौन सी मूवी डिड यू गो, तुम गए थे टू सी माने देखने, यस्टरडे माने कल। मोहन आस्क्ड मी विच मूवी डिड यू गो टू सी यस्टरडे, मोहन ने मुझसे पूछा कल तुम कौन सी मूवी देखने गए थे। मोहन ने मुझसे पूछा कल तुम कौन सी मूवी देखने गए थे। अब बच्चों इसका जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो बहुत सरल है, इसका कुछ यूं बनेगा। जैसे बच्चों आपसे मोहन ने पूछा कि बता तुम कल कौन सी मूवी देखने गए थे, और मैंने पूछा कि बताओ मोहन ने तुम्हें क्या कहा, तो आप ये कहोगे मोहन ने मुझसे पूछा कि उस दिन यानी पहले वाले दिन मैं कौन सी मूवी देखने गया था, कौन सी मूवी देखने गया था, मैंने जा चुका था, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, पहली बात तो यह है कि यदि यहां पर सेट टू का प्रयोग हो रहा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सेट टू को आस्कड़ में बदलना चाहिए। आगे ये बात समझ में। और बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि सेट के बाद टू नहीं आ रहा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो बच्चों अकेले सेट को भी आस्कड़ में बदलना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आस्क्ड दे दिया गया है, बट इफ यू आर गिवन आस्क्ड एज द रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी, परंतु यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क्ड ऑलरेडी दे दिया गया है तो आपको अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, वो जैसा है उसको वैसा लिख देना है। क्लियर हो गया है, क्योंकि चेंज करने की जरूरत ही नहीं। जरा ध्यान दो, यहां से आंसर शुरू कर रहा हूं मोहन, आस्क्ड को आस्क्ड ही रहने दो क्योंकि इसको चेंज तो पहले ही कर दिया उसने। मोहन आस्क्ड मी दैट, अब बच्चों ये दैट आपने गलत कर दिया, क्योंकि जब डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा तो डब्ल्यू एच वर्ड खुद कंजंक्शन का काम करेगा, तो मोहन आस्क्ड मी और बच्चों विच मूवी साथ साथ ये साथ साथ ही रहेंगी,
क्योंकि विच बच्चों एक प्रकार का पजेजिव होता है और ये जिस नाउन के साथ आता है वो नाउन इसके साथ ही रहता है, उसके बिना ये अधूरा है। तो विच मूवी, अब जरा ध्यान दो, इस डिड को छोड़ो और यू जो सब्जेक्ट है इसको मी के अनुसार बदलो तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विच मूवी आई। अब डिड इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिड गो, तो डिड गो तो होगा नहीं और बच्चों ये वेंट हो जाएगा, क्योंकि डिड इसके अंदर जाते ही मिल जाएगा, सेकंड फॉर्म बदल देगा वेंट, यानी पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल को बच्चों कैसे बदलना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये आ गया हेड, बाहर से लाओ, ठीक है, विच मूवी आई हेड, और बच्चों गोची क्या कर दोगे, ये गोची गॉन कर दोगे, विच मूवी आई हैड गॉन टू सी, और यस्टरडे की जगह करोगे आप द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह क्या करोगे द प्रीवियस डे, और बच्चों आपको क्या लगाना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि आपका आंसर बनके तैयार हो गया है। मोहन आश्र में विच मूवी आई हैड गॉन टू सी द प्रीवियस डे, तो ये तो आपने क्या देखा, ये तो बच्चों आपने ये देखा कि यदि सेट टू आ रहा है तो उसे आश्कड़ में बदलना चाहिए, और बच्चों अगर आश्कड़ खुद ही आ रहा है तो आश्कड़ आश्कड़ ही रहने दो, पर अगर अकेला शेड आ रहा है, जैसे जरा ध्यान देना, द गर्ल सेड, द गर्ल सेड, लड़की बोली अपनी मम्मी से क्या बोली, मे आई वियर, डब्ल्यू ई ए आर, मे आई वियर दिस सारी, एस ए आर आई कोमा मदर, मे आई वियर दिस सारी मदर, और बच्चों ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान दो, लड़की ने कहा क्या मैं इस साड़ी को पहन सकती हूँ, मदर यानी माँ, तो लड़की अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या मैं इस साड़ी को पहन सकती हूँ। अब बच्चों यहाँ एक बात समझो कि ये जो मैं एक मॉडल है बच्चों, और इस मॉडल का प्रयोग जब जब वाक्य में प्रश्नवाचक रूप में किया जाता है तो बच्चों इसका प्रयोग परमिशन लेने के अर्थ में किया जाता है। जब आप क्लास में बाहर से आते हो तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, लेकिन बच्चों आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि कैन आई कम इन सर। वैसे तो कैन का प्रयोग भी परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है और मे का प्रयोग भी परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है, लेकिन बच्चों जब आप अपने दोस्त से परमिशन लेते हो तो आप कहते हो कैन आई यूज योर पेन राजू, राजू क्या मैं तेरा पेन यूज कर सकता हूं। आपके और आपके दोस्त के बीच में जो रिलेशन है वो बच्चों इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन जब वाक्य में आप सर का प्रयोग करते हो, सर, या मैडम का प्रयोग करते हो, या थैंक यू शब्द का प्रयोग करते हो, या काइंडली शब्द का प्रयोग करते हो, या प्लीज शब्द का प्रयोग करते हो, तो ऐसे वाक्य बच्चों क्या हो जाते हैं, दे बिकम फॉर्मल इन सेंस, सच सेंटेंसेस बिकम फॉर्मल इन सेंस, इस प्रकार के वाक्य बच्चों सेंस की दृष्टि से औपचारिक हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं, और बच्चों फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है और इनफॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग तो बच्चों एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए भी किया जाता है, परंतु मे का प्रयोग कभी भी एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए नहीं किया जाता, जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, लेकिन ये कहना गलत होगा कि आई मे स्पीक फ्रेंच, माना कि मे का मतलब भी सकना होता है और माना कि कैन का मतलब भी सकना होता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, इसका मतलब होता है आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच, लेकिन बच्चों मे का प्रयोग एबिलिटी को दर्शाने के लिए कभी नहीं होता, इसका प्रयोग तो परमिशन लेने देने के लिए होता है। तो मे आई वियर दिस सारी मदर। अब बच्चों आप जरा देखो इसमें दो बातें हैं, नंबर एक तो इसमें शेड आ रहा है तो शेड का क्या करोगे, शेड का आश्कड़ करोगे, और बच्चों एक्चुअली इसका सुधरा हुआ रूप क्या होगा, मदर का प्रयोग देखो आगे हो रहा है, मदर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ न करके रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में किया गया है, इस वाक्य का सुधरा हुआ रूप होगा द गर्ल सेड टू, द गर्ल सेड टू द मदर, द गर्ल सेड टू द मदर, ये द बच्चों मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जब आप किसी को वोकेटिव केस में एड्रेस करते हैं, व्हेन यू एड्रेस समबडी इन वोकेटिव केस देन यू डू नॉट यूज द, बच्चों जब आप किसी व्यक्ति को वोकेटिव केस में डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो आप द का प्रयोग नहीं करते, जैसे कमॉन प्रोफेसर लेट्स गो फॉर ए वॉक, कमॉन प्रोफेसर लेट्स गो फॉर ए वॉक, ऐसा कभी नहीं बोलते कमॉन द प्रोफेसर लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो मैं ये कहना चाहता हूं व्हेन यू एड्रेस समबडी डायरेक्टली इन वोकेटिव केस, जब आप किसी व्यक्ति को
संबोधन कारक में सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं तो दे का प्रयोग नहीं करते हैं, बट वेन द, लेकिन बच्चों क्या होगा, वेन द ऑब्जेक्ट शेल बी ब्रॉट, लेकिन बच्चों जब ऑब्जेक्ट कहां लाया जाएगा, बट वेन द ऑब्जेक्ट शेल बी ब्रॉट आउट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड इट शेल बी प्लेस्ड इन द रिपोर्टिंग वर्ब, और जब आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब में रखोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द गर्ल शेड टू द मदर, तो बच्चों द गर्ल शेड टू द मदर को कैसे करोगे, द गर्ल, जरा आंसर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान देना, द गर्ल और शेड टू की जगह करोगे आस्क्ड, द गर्ल आस्क्ड और आ जाएगा द मदर, द का प्रयोग करना पड़ा मुझे, ठीक है समझ में आ गई है, द गर्ल आस्क्ड द मदर। अब बच्चों इफ का प्रयोग करोगे क्योंकि एक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया 24 होती है, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। अब बच्चों मॉडल भी एक प्रकार की सहायक क्रिया होता है, तो यहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, दैट, तो बच्चों पहली गलती आपने ये कर दी, यहां दैट नहीं आएगा, यहां आएगा इफ। अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्या यहां वेदर भी आ सकता है, बिल्कुल सही है बच्चों, जहां जहां इफ आता है वहां वहां वेदर आ सकता है, लेकिन बच्चों एक स्थिति यह भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ओर आ रहा है, ओ आर ओर, तो फिर आपको वेदर का ही प्रयोग करना चाहिए, इफ का नहीं करना चाहिए, उसका उदाहरण मैं आपको दे दूंगा अभी। तो द गर्ल आस्क्ड द मदर इफ, अभी आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये गर्ल के अनुसार बदलेगा, इफ शी, अब बच्चों ये शी किसके लिए आ रहा है, ये गर्ल के लिए आ रहा है, ये मदर के लिए नहीं आ रहा, ब्रैकेट में गर्ल कर दो, इफ शी, कैन को कर दो कुड, इफ शी कुड, ठीक है बच्चों, इफ शी कुड वियर दैट सारी। अब देखो बच्चों इफ शी कुड वियर, इफ शी कुड वियर है ना, कुड और एक लगा दिया वियर, और बच्चों दिस को दैट में बदलते हैं ना, तो दिस को बदलो दैट में, और ये सारी है, इफ शी कुड वियर दैट सारी, और सारे चिन्ह हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो, द गर्ल आस्क्ड द मदर इफ शी कुड वियर दैट सारी, अर्थात लड़की ने माँ से पूछा कि, लड़की ने माँ से पूछा कि क्या वो उस साड़ी को क्या कर सकती थी, यूज कर सकती थी। ओके, एक जरा सेंटेंस और देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसके अंदर मैंने बताया कि और की स्थिति क्या रहती है। तो बच्चों आप तो जानते हो नॉट ओनली के साथ हमेशा बटाल्सो आता है, हाइद्र के साथ हमेशा और आता है, नाइद्र के साथ हमेशा नोर आता है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, ये बच्चों क्या है, दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, इनका प्रयोग हमेशा जोड़े में किया जाता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, हार्डली के साथ हमेशा वैन आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ नो सुंदर के साथ हमेशा देन आता है, उसी प्रकार से वेदर के साथ हमेशा और आता है। अब जरा सेंटेंस देता हूं समझना आप, सलमान सेड, सलमान सेड, सलमान ने कहा आर यू सलमा और सुल्ताना, सलमान ने कहा आर यू सलमा और सुल्ताना, सलमान शेड आर यू सलमा और सुल्ताना, सलमान ने कहा तुम सलमा हो या सुल्ताना हो, तुम सलमा हो या सुल्ताना हो, तो बच्चों आप क्या करोगे जरा ध्यान दो, सलमान आस्क्ड, अब बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सलमान आस्क्ड इफ, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न यह है कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यू को किसके अनुसार बदलो, ये बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये यू है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब बच्चों यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मन में मान लो हर मान लो, क्योंकि लड़की से ही पूछा होगा, तो आपने हर मान लिया तो सलमान आस्क्ड, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, ये हर है ना, इसको बच्चों यहां लिख भी सकते हो और इसे मन में भी मान सकते हो, यानी इट कैन बी मैंशनड, इट कैन आइदर बी मैंशनड और नॉट, इसे मेंशन किया भी जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो सलमान आस्क्ड हर, यस केवल सलमान आस्क्ड इफ, ये यू है बच्चों इसके अनुसार शी में बदल जाएगा, इफ शी, आर जब इधर जाएगा तो इज़ मार को वाज वर्ब में बदल देते हैं, इफ शी वाज सलमा और सुल्ताना। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों यह है कि वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जरा इसको देखो, चूंकि आगे और का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पर इफ का प्रयोग नहीं होगा, यहां वेदर का प्रयोग होगा, बात को समझो। अगर बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही ओ आर और शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए,
उस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को इफ के बदले वेदर से जोड़ना चाहिए, और इसके अलावा अन्यत्र सर्वत्र इफ के बदले वेदर का प्रयोग हो सकता है और वेदर के बदले इफ का प्रयोग हो सकता है, दोनों का प्रयोग सही है, परंतु और के साथ तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, और के साथ तो आपको सिर्फ वेदर का प्रयोग ही करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना क्या स्थिति रहती है। सबसे मोटी बात जो है बच्चों को ये भी ध्यान दो, डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। मुझे ये समझाना है, जरा ध्यान दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को आपने जोड़ा इफ से और इफ के पहले आपने दैट भी लगा दिया, या जोड़ा आपने वेदर से और वेदर के पहले आपने दैट भी लगा दिया, या जोड़ा आपने किसी डब्ल्यू एच वर्ड से और डब्ल्यू एच वर्ड के पहले आपने दैट भी लगा दिया, इस प्रकार की सिचुएशन से क्या होता है बच्चों, डबल कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो बच्चों क्या है, द यूज ऑफ डबल कंजंक्शन व्हाइल चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब समझ में आ गया होगा, एक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप बच्चों अगर डबल कंजंक्शन का प्रयोग करते हो तो दिस इज ए ब्लंडर, अर्थात ये बहुत बड़ी गलती है, एंड इट मस्ट बी ओमिटेड, और इस गलती को बच्चों आपको ओमिट करना चाहिए, अर्थात इस गलती से आपको इट मस्ट बी अवॉइडेड, इस गलती को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको इस गलती से बचना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि ये स्थिति रहती है, कैसे बदलते हो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और ये क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं उनको। अब बात आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, जैसा कि आपको समझाया जा चुका है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव में बच्चों ये होता है कि भाव के अनुसार जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसे न तो आप टोल्ड में बदलते हो, न आप उसको आस्क्ड में बदलते हो, बल्कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, ये बच्चों लिखो इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश, सलाह या प्रार्थना वाले वाक्य। तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दो, या तो ऑर्डर्ड में, यदि ऑर्डर का भाव है तो, ऑर्डर का नहीं है प्लीज या काइंडली आ रहा तो रिक्वेस्टेड में बदल दो, और बच्चों यदि आपको लगता है कि नहीं उसमें तो सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड में बदल दो, और बच्चों यदि आपके भाव समझ में ना आए तो आस्क्ड में बदल दो। ये फंडा है और बहुत सरल है। जरा एक सेंटेंस बोल के देता हूं, नेहा शेड टू अर्जुन, नेहा ने अर्जुन से कहा, क्या कहा, गो अवे, दूर चले जाओ। अब बच्चों गलती हमसे ये हो गई कि यहां पर ये जो गो है इसका पहला अक्षर हमें क्या लिखना चाहिए था, कैपिटल में लिखना चाहिए था। तो नेहा शेड टू अर्जुन, नेहा ने अर्जुन से कहा गो अवे, दूर चले जाओ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूं। अब बच्चों जरा ये समझो कि इस वाक्य में सलाह का भाव तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो सलाह देती तो कहती गो फला जगह जाओ, गो अवे, दूर चल जाओ, निवेदन वो कर नहीं रही है क्योंकि इसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग कहीं हो नहीं रहा है। अब बच्चों हमारे पास में ऑप्शन बच गए, या तो आस्क्ड या ऑर्डर्ड। अगर आपको ऑर्डर्ड करना तो ऑर्डर्ड कर दो, एंड इफ यू अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप आस्क्ड कर सकते हो, क्योंकि आस्क्ड एक ऐसी वर्ब है बच्चों जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस तीनों के भाव अंतर्वलित हैं। आस्क का मतलब पूछना नहीं होता, पूछना भी होता है, लेकिन इसके अलावा बच्चों आदेश देने के अर्थ में, निवेदन करने के अर्थ में, किसी को सलाह या मशवरा देने के अर्थ में भी आस्क्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों एक बार मैं इसको ऑर्डर्ड में बदल रहा हूं, जरा ध्यान दो, नेहा ordered। अब बच्चों ordered के बाद क्या नहीं आएगा, ये जो टू है बच्चों वो यहां नहीं आएगा, सिर्फ शेड टू के साथ हो, नेहा ordered अर्जुन, नेहा ने अर्जुन को ऑर्डर दिया। आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ो, ये ध्यान दो बच्चों, आरवी तथा आरएस को दैट से नहीं जोड़ो, नहीं जोड़ो ये, इफ से भी नहीं जोड़ो ये, वेदर से भी नहीं जोड़ो ये, वेदर से भी नहीं जोड़ो ये, और डब्ल्यू एच वर्ड तो आई नहीं रहा तो डब्ल्यू एच वर्ड से भी नहीं जोड़ोगे, फिर किससे जोड़ोगे इस बार बच्चों, आरबी तथा आरएस को किससे जोड़ोगे इस बार, देखो यहां से सेंटेंस शुरू करता हूं, टू से जोड़ोगे, टू लगा दिया, बाकियों का उतार दो, टू गो अवे, नेहा आस्क्ड अर्जुन टू गो अवे, नेहा ने अर्जुन को दूर चले जाने के लिए कहा, नेहा आस्क्ड अर्जुन टू गो अवे, नेहा ने अर्जुन को दूर चले जाने के लिए कहा, नेहा ने बच्चों अर्जुन को दूर चले जाने के लिए कहा। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आरवी तथा आरएस को टू से जोड़ना है, और आपको बताया गया अगर वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है, जैसे डोंट मेक ए नॉइज,
तो डोंट को बच्चों नॉट टू से जोड़ दो, किसे जोड़ दो, नॉट टू से। अगर वाक्य नेवर से शुरू हो रहा है जैसे नेवर टेल आई, तो नेवर टू से जोड़ दो, नेवर टू। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि आराम से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हो, और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है बच्चों उसका बेस बहुत अच्छे से ढंग से आपका क्लियर किया जा चुका है। और आज की बात यही समाप्त। नमस्कार बच्चों।